हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम दिखाएंगे कि घर में गैस चूल्हा को कैसे साफ करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम नहा धोवा के फ्रेश हो गए हैं और इधर धूप भी कड़ाका निकल गया। सुबह तो बहुत ठंडी थी। तो दोस्तों चलिए, अभी हम आपको गैस चूल्हा बाहर निकाल के धोएंगे और दिखाते हैं कि कैसे साफ हो जाता है घर में। उसको वॉश कराने के लिए मैकेनिक के पास नहीं ले जाने का ज़रूरत है दोस्तों, घर पर ही साफ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों अभी पहले हम चूल्हा ले आएंगे। देखिए अभी हम गैस बाहर ले आए हैं और अभी खोल लेते हैं सभी को। इसका जो पार्ट खुलेगा उसको खोल लेंगे दोस्तों। ये नहीं खुल रही है तो इसको ज़बरदस्ती खोलना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। जाम पकड़ लिया है तो दोस्तों खुल जाएगा, मगर कि इसको ताकत लगाने से तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। और इधर देखिए, सबको हम झाड़ लेते हैं गंदगी को, पानी दे के धो लेंगे अच्छा से। और देखिए कितना पुराना चूल्हा है ये गैस वाला। तो दोस्तों सब में पानी दे दीजिए फटाफट। और इसको अभी धोना है तो इसके लिए धोने के लिए हम पानी से फुला दिए हैं पहले, और जब ये फूल जाएगा तो बहुत अच्छा से हो जाएगा। और देखिए फूल गया है। और ये हम लेंगे बर्तन धोने वाला तार वाला, और स्क्रबर भी है। और अब इसमें हम डालेंगे विम जेल। तो दोस्तों विम जेल डालने से जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों सब जगह हम डाल दिए हैं विम जेल को, और इसको हो गया है। और अब तार से और ये स्क्रबर मिला के हम दोनों से रगड़ेंगे ताकि हाथ से चुभेगा नहीं तार वाली मानने वाला बर्तन। तो दोस्तों देखिए अभी इसी से हम रगड़ रहे हैं, एकदम चकाचक चमक जाएगा सब जगह। तो रगड़ देते हैं फटाफट। अभी देखिए और दोस्तों ये वाली गैस को धोने में है ना बहुत आसानी से तार वाला से धोला जाता है। इसी को हम उपयोग करते हैं, जैसे कि दूध का हो गया जो काला उला रहता है ना, सो तुरंत छूट जाता है। और दोस्तों देखिए रगड़ के हम सब जगह साफ कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, देखते जाइए कितना अच्छा से चमचमा के धुला जाएगा। इधर हम इसको भी, यहाँ देखिए कितना पुराना है, पूरा जंग लगा हुआ है। इधर भी देखिए, तो सभी को हम रगड़ के धो लेंगे। बाहर इसलिए आए हैं किचन से ताकि आंगन में बढ़िया से धुल जाए, और पानी भी इसमें अच्छा से डाला जाएगा दोस्तों, धोया जाएगा। किचन में तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है ना, इसीलिए आंगन में ही धोएंगे। और देखिए मेरा इधर बाहर तरफ चमचमा के चमक गया है पूरा अच्छा से। और अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी से धो के देख लेंगे दोस्तों कुछ ही देर में। पहले हम और थोड़ी सी जिधर जिधर बाकी उधर उधर रगड़ लेते हैं। तो दोस्तों घर में ही धोने में अच्छा होता है, इतना ही से वॉश करने का गैस चूल्हा को वहाँ पर मैकेनिक के पास बहुत सारा पैसा लेता है। और इसके हम घर पर ही वॉश कर सकते हैं, और इसका सारा का सारा हम गैस चूल्हा को चमचमा सकते हैं। तो दोस्तों सभी पार्ट खुल जाती है तो अभी हम नहीं खोलेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और धोएंगे सबको। देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। और अभी हम सब जगह धो के दिखा रहे हैं, देखिए पानी से ये देखिए चमचमा के चमक गया। और अंदर तरफ देखिए, अभी नहीं धोए तो अंदर का नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों अभी हम अंदर भी धो लेंगे इसी से, देखिए रगड़ के। तो देखिएगा अभी पूरा चमकने लगेगा। वो पलटती है चूल्हा को और सब जगह हम रगड़ते हैं। तो इस प्रकार से घर पर ही धो सकते हैं आसानी से, और बहुत आसानी से ये काम हो जाती है दोस्तों सरल तरीके से। देखिए हो गया, और हम फिर से पलट दिए और इसका जो था स्विच वो लगा देते हैं दोस्तों। इधर भी हम लगा देंगे और इसको पानी से अच्छा से साफ करके हम धो लेते हैं।
हो गया है क्लियर, देखिए। और हम धूप में इसको 5 मिनट सूखने दे देंगे ताकि इसका जितना पानी है सब सूख ढरक जाएगा। तो हम खड़ा कर दिए हैं दोस्तों दीवार में, ताकि पानी सब ढरकेगा और उससे जो भी पानी था उसमें बचा हुआ सब गिर जाएगा। और देखिए फाइनली तब तक हम धो लिए हैं इसका सारी जो था प्लेट वलेट। और देखिए अभी हम लगा देते हैं उतार के, फाइनली बहुत आसानी से हो गया दोस्तों। देखिए सब सेट कर दिए हैं, और इसको अभी और 5 मिनट के लिए धूप में छोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से चकाचक सूख जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, मेरा चूल्हा धोवा के साफ़ हो गया है और अभी चमाचम चमकने लगा है और बहुत अच्छा से। तो दोस्तों जिसको भी मेरा चूल्हा धोने वाला वीडियो पसंद आया होगा वो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा दोस्तों। तो देखिए मेरा चूल्हा धुला गया, इसको 2 मिनट सूखने दे देंगे धूप में, पूरा क्लियर क्लीन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, सभी को नमस्कार और बाय।